प्रकृति तो पटकी लगाती ही रहेगी, कष्ट देती ही रहेगी, उसका स्वभाव ही है। वो ना किसी की पहले हुई है, ना वर्तमान में हुई है, ना भविष्य में होगी। जो चीज़ किसी की हुई नहीं, हुई कैसे? जिसका स्वरूप ही कभी स्थिर रहा ही नहीं, तो वो किसी की कैसे रह सकती है? और उसी पर आशक्त हो रहे हो, इससे बड़ी और अज्ञानता हो भी क्या सकती है? मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, मैं स्वयं उदाहरण है कि मैंने कितने कष्ट झेले और कितनी कठोरता के साथ अभ्यास किया। जो अभ्यास किया तो आज यहाँ देखो बैठ करके आप लोगों का, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, भय हो भी कैसे सकता है? क्योंकि उससे परे का जब ज्ञान हो जाता है, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता, मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। बस मृत्यु ऐसा समझो जैसे ये कपड़ा मेरा पुराना होगा, मैं इसे फेंक दूंगा। मृत्यु कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, मृत्यु एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, डरने की चीज़ नहीं। अगर मृत्यु नहीं होती तो अनुमान लगाओ, मनुष्य अगर मरता नहीं तो हमारे पूर्वज, कब के पूर्वज क्या इस धरती में रह पाते? रहना तो दूर, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। और ये शरीर जो जर्जर होता है, 100 साल में जर्जर हो जाता है, तो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो पुरुष यानी मनुष्य पैदा हुए थे, अगर मृत्यु ना होती तो आज क्या हाल होता? दूसरे, आपने जो अच्छा कर्म किया है तो मृत्यु के बाद ही भोग पाएंगे, अर्थात अगले जन्मों में। तो मृत्यु का होना जरूरी भी है, तो इससे क्या डरना, क्या सोचना? बस ये तो एक ऐसा समझो, इस शरीर को त्याग दिया यानी एक पड़ाव से अगले पड़ाव डालने के लिए यात्रा शुरू कर दिया, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं। ज्ञानी जनों के लिए मृत्यु का कोई भय तो दूर की बात, कोई खास विषय नहीं है। तो हमेशा निडर रहो, किसी से डरो नहीं। डरते हो तो ये आपके कर्म के द्वारा डर पैदा हुआ है, आपने पहले अधर्म से युक्त कर्म किया होगा, वही आपको डरा रहा है। ये डरते किस चीज़ से? अर्थात निडर बनो, और हमेशा जब तक जीवन रहे, आपका अपना होश रहे, ईश्वर का चिंतन करना ना छोड़ो। चाहे चार पाई पर लेटे हो, उठ ना पा रहे हो, उसको याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.